हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप यू आर एंजॉयिंग योर वैकेशन। नाउ रिजल्ट ऑफ 12th बोर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड और हमारे पास बोर्ड के परसेंटेज आ गए हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ोन करके पूछ रहे हैं, कुछ बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि सर, हमें बोर्ड के परसेंटेज यदि कम मिलते हैं तो क्या हम मैनेजमेंट की सीट सिक्योर करें। अभी से कहीं ना कहीं पे बच्चे पैनिक हो गए हैं और वो अपना एडमिशन्स कहीं ना कहीं पे करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ और आपको मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि 12th परसेंटेज आपको कमर्शियल कोर्स में एडमिशन्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग की। जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बोर्ड परसेंटेज का सिर्फ और सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई करना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, MHT, CET, JEE, NEET के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है, उस स्टूडेंट के लिए मिनिमम 12th में, आई रिपीट अगेन, यदि वो ओपन कैंडिडेट का स्टूडेंट्स है तो उसको 45% नेसेसरी है और यदि वो रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट्स है तो उसको 40% एसेंशियल है। यदि आप इतने परसेंटेज को सेटिस्फाई करते हो तो आप इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। लेकिन ये 12th के ओवरऑल परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटेज है PCM। यदि आप इंजीनियरिंग जाना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट्स में होना जरूरी है। लेकिन इसमें भी कुछ मैंडेटरी कंडीशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिंपल, बहुत सवाल जो है बहुत ही सिंपल है कि सर, मैं इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल होने का क्या क्राइटेरिया है। मान लीजिए कोई एक जनरल साइंस का स्टूडेंट है, मान लीजिए किसी ने जनरल साइंस लिया है और बहुत ही बाउंड्री पे वो बच्चा पास हुआ है। मान लीजिए जिस बच्चे को फिजिक्स के अंदर 35 मिले हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी 35 मिले हैं और मैथ्स के अंदर भी 35 मिले हैं, तो अब इन तीनों की एडिशन आप करते हो तो उसको 105 मार्क्स ही हो रहे हैं। और मान लीजिए वो स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी का है, तो ओपन कैटेगरी का मतलब होता है 45% और 45% मतलब होता है तीन विषयों के हम टोटल मार्क्स गिनेंगे तो वो होते हैं 300 और 300 का 45% होता है 135 और 300 का जो 40% होता है वो होता है 120। मतलब और आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो तीन विषयों की एडिशन ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स की 135 होनी चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स की 120 होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं। मान लीजिए एक जनरल का विद्यार्थी है, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर 35 मिले हैं और ये रिजर्व या ओपन दोनों में होगा तो ये दोनों में वैसे एलिजिबल नहीं है। लेकिन यदि ये जनरल साइंस का स्टूडेंट है तो इसका चौथा सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी और मान लीजिए इसको बायोलॉजी के अंदर यदि 60 मार्क्स मिलते हैं तो नियम यह कहता है कि आपको फिजिक्स और मैथ्स को कंपलसरी लेना है। मतलब फिजिक्स के उस बच्चे के मार्क्स हो गए 35, केमिस्ट्री के उस बच्चे के मार्क्स हो गए 35 और उस केस में आप फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी आपको लेना है तो मैथ्स के उस बच्चे के मार्क्स हो गए 35 और आपको केमिस्ट्री ड्रॉप करके केमिस्ट्री की जगह पे आप बायोलॉजी के मार्क्स ले सकते हो। लाइकवाइज 60, 5, 5, 10, 11, 7, 3, 10, 13, 130। मतलब यदि ए रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है तो 130 मार्क्स उसके हो रहे हैं, मतलब वो स्टूडेंट अभी एलिजिबल हो गया। तो ये भी एक बात आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ है, जैसे मैं और एक उदाहरण लेके बताता हूँ कि यदि कोई स्टूडेंट है जिसने वोकेशनल लेके रखा है, लाइकवाइज जिसका कंप्यूटर साइंस है, मान लीजिए उस बच्चे को 35 फिजिक्स के अंदर है, केमिस्ट्री फिर से मैं 35 ले रहा हूँ, मैथ्स फिर से मैं 35 ले रहा हूँ, मैं वर्स्ट केस कंसिडर कर रहा हूँ, और यहाँ पर उसने कंप्यूटर लिया था जिसको उसमें उसको 180 मार्क्स मिले फॉर एग्जाम्पल, तो फिर से यहाँ पे मैंडेटरी कंडीशन है तीनों का एडिशन करेंगे तो वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। इस केस में आपको फिजिक्स के मार्क्स लेना है 35, मैथमेटिक्स के मार्क्स लेना है 35 और आप चौथा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट कंप्यूटर ऐड कर सकते हो जिसमें आप केमिस्ट्री को बाईपास करके कंप्यूटर के मार्क्स लेना है। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि कंप्यूटर के मार्क्स जो है वो 200 में से है और हम जो एडिशन कर रहे हैं वो 100 में से कर रहे हैं, क्योंकि ये 100 में से 35 है, ये 100 में से 35 है, तो ये भी होना, तो यहाँ पे सीधा रूल लगाइए, 200 में से 180 तो 100 में से कितने तो 90 आते हैं, तो यहाँ पे 90 लीजिए ताकि एडिशन जो बनी आपकी वो 300 बने, तो यहाँ पे आप 35 70 हो गए और ये बन रहा है आपका 160। जब आपका 160 बन रहा है तो यह आप चाहे रिजर्व हो चाहे ओपन हो तो आप दोनों केस में एलिजिबल हो। सो दिस इज़ द केस। यहाँ कंप्यूटर की जगह पे फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप
जो अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एडमिशन्स ले सकते हो, जैसे कंप्यूटर की जगह पे आपका आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या कोई भी विषय यदि है तो आप इस विषय के मार्क्स उसमें ले सकते हो, लैंग्वेजेस के मार्क्स आप नहीं ले सकते हो। तो सबसे पहले मिनिमम क्राइटेरिया आपको चेक करना है। आई रिपीट, रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी के लिए आपको 40% जा रहा है और ओपन के लिए आपका 45% जा रहा है, मतलब 300 में से 135 मार्क्स होना ओपन कैटेगरी के लिए और 300 में से 120 मार्क्स होना रिजर्व कैटेगरी के लिए। फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी रहेगा, केमिस्ट्री लेके ऐड होता है तो भी आप एलिजिबल है, केमिस्ट्री लेके ऐड नहीं हो रहा है तो उसकी जगह पे बायो ऐड करो, आपका बायो नहीं है तो आप कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट कि यदि आप एलिजिबल नहीं है तो आप कोई भी हालत में आपको एमएचटी सीईटी में आपका चाहे 99% क्यों ना हो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन उस केस में भी आपको एडमिशन मिल सकती है जो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी एडमिशंस कराता है जिसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई डिफिकल्टी है तो। उसके बाद में नीट के लिए भी एक क्राइटेरिया है कि यदि आप नीट क्वालिफायर है और आपको उसके लिए भी 12 का मिनिमम क्राइटेरिया होता है, नीट के लिए 12 का मिनिमम क्राइटेरिया है, यदि आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई किए हो तो उसके लिए बोर्ड का क्राइटेरिया है, यदि आप ओपन कैंडिडेट हो तो 50% पीसीबी ग्रुप की बात हो रही है, 300 में से 50% मतलब 150 आपको होना, आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 45% यहां पे होना, और आप PWD मतलब फिजिकली चैलेंज है तो भी आपको 45% का क्राइटेरिया होना, मतलब यहाँ पे सीधे सीधे 150 मार्क्स होना, यहाँ पे 135 होना, यहाँ पे 135 होना, ग्रुप आपका बनेगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो नीट के लिए भी आपका ये क्राइटेरिया लग रहा है, तो आप ध्यान में रखिए, सब स्टूडेंट्स अपना अपना क्राइटेरिया चेक करो, आपको कोई ही प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।